हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंदर और आप देख रहे हो टेक्निकल इंदर। सो फ्रेंड, आज हम करेंगे रियलमी 2 प्रो वर्सी हॉनर 8X का कंपैरिजन कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, कौन सा स्मार्टफोन आपको अच्छे फीचर देता है, अच्छा कैमरा देता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम स्टार्ट करते हैं हम फोन की डिस्प्ले के साथ। रियलमी 2 प्रो में आपको मिल जाता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है और बटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, जो कि एक नई नॉच है। ओप्पो F9 प्रो इसको अपने साथ लेके आया था, उसके बाद वीवो V11 प्रो में भी ये नॉच दी गई है। और उसके बाद अगर हॉनर 8X की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.5 इंच का फुल HD प्लस नॉच वाला डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको बटर ड्रॉप नॉच नहीं दी गई है, बट जो नॉच दी गई है वो काफ़ी अच्छी है। तो मतलब डिस्प्ले के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन ही सिमिलर जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद अगर कैमराज की बात की जाए तो Realme 2 Pro में आपको बैक में देखने को मिल जाएगा 16+2 MP का कैमरा। जो 16 MP वाला कैमरा है वो आता है सोनी के IMX398 सेंसर के साथ और अपर्चर है उसका F1.7। तो ये वाला जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है, F1.7 अपर्चर के साथ में आता है। अगर डेप्थ सेंसर की बात की जाए तो इसमें आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो कि मतलब आपके ब्लर वगैरह के लिए काम आता है। उसके बाद अगर हॉनर 8X की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाएगा 20+2 MP का कैमरा। जो 20 MP वाला कैमरा है वो आता है F1.8 अपर्चर के साथ में, मतलब काफ़ी अच्छा कैमरा है ये भी। और उसके बाद दूसरा जो कैमरा दिया गया है 2 MP का, वो डेप्थ सेंसर है। तो देखा जाए तो मतलब कैमरे दोनों के सिमिलर हैं, बट हॉनर 8X का आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें आपको 20 MP का कैमरा दिया गया है। बट अपर्चर की अगर बात की जाए तो Realme 2 Pro में आपको F1.7 का अपर्चर मिलता है और हॉनर 8X में आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है। तो मतलब कहीं कहीं पे सिमिलर ही इनको हम बोल सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है फ्रंट कैमरा की। फ्रंट कैमरा आपको दोनों में सिमिलर देखने को मिलते हैं, F2.0 अपर्चर के साथ में आते हैं और जितने भी सेंसर होते हैं वो सारे आपको इन दोनों फोन के कैमराज में देखने को मिल जाते हैं। ये तो थे कैमरा। उसके बाद बात आ जाती है परफॉर्मेंस की कि आपको कौन कौन से प्रोसेसर इनमें देखने को मिल जाते हैं। Realme 2 Pro की अगर बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है यार। इसमें आपको AI के फीचर भर भर के दिए होते हैं, तो मतलब आपके गेमिंग के लिए तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। तो इसके बाद अगर हॉनर 8X की बात की जाए तो इसमें भी आपको जो किरिन का 710 प्रोसेसर दिया गया, जो कि एक नया प्रोसेसर है और 12 नैनोमीटर पे बना है। अगर 660 की बात की जाए तो ये 14 नैनोमीटर पे बना हुआ है, बट ये जो किरिन का 710 प्रोसेसर है ये 12 नैनोमीटर पे बना है। इसका जो पुराने वाला प्रोसेसर था किरिन 659, इससे वो 75% पावरफुल है, मतलब किरिन का 710 प्रोसेसर। तो मतलब इसमें भी आपको जो पावर जो मिलने वाली है, परफॉर्मेंस जो मिलने वाली है, वो रियलमी के बराबर भी हो सकती है, रियलमी से ज़्यादा भी हो सकती है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन वैसे तो सिमिलर है, बट कहीं कहीं पे हॉनर 8X आगे निकल जाता है। उसके बाद बात आ जाती है बैटरी की। बैटरी हॉनर 8X में आपको दी गई है 3750 mAh की माइक्रो USB 2 केबल के साथ में। इसमें आपको सी तो दोनों में नहीं देखने को मिलता है, और वहाँ पे Realme 2 Pro की बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है 3500 mAh की बैटरी। यार अगर मतलब डिस्प्ले के हिसाब से देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन की बैटरी ठीक है। वहाँ पे Honor 8X की 3750 की दी गई है, बट डिस्प्ले आपको 6.5 इंच का मिलता है। अगर Realme 2 Pro की बात की जाए तो इसमें आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है और बैटरी 3500 mAh की दी गई है। तो मतलब आपका एक दिन दोनों निकाल देगी, बट तभी ऑन द पेपर देखा जाए तो हॉनर 8X की जो बैटरी वो अच्छी है। ये तो था अंदर वाला जो कंपैरिजन है। दोनों स्मार्टफोन चलते हैं एंड्रॉयड ओरियो पे, और पाई का अपडेट भी दोनों में जल्दी ही आ जाएगा। और सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो Realme 2 Pro में आपको ये दिया गया है OS, और इसमें EMUI दिया गया है। तो ये तो था अंदर का। अब बात आ जाती है बाहर की। जो लुक के मामले जो है ना, वो दोनों स्मार्टफोन पीछे होने वाले नहीं है, क्योंकि अगर फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट में Realme 2 Pro आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको दी गई है वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि काफ़ी अच्छी है।
मतलब न्यू ट्रेंड है यार वो, जो हॉनर 8X में आपको दी गई वो थोड़ी बड़ी नॉच है, बट इसमें आपको छोटी वाली नॉच दी गई है, बटर ड्रॉप नॉच। अगर बैक के बात की जाए तो यहाँ पे आपका हॉनर 8X आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें जो कैमरा दिए गए हैं ऊपर 20 MP का, उसके नीचे 2 MP का, और उसके नीचे लिखा है AI कैमरा, और कैमरे के साथ में ही फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है। तो लुक के मामले में तो मतलब इसमें आपको इतने प्रीटी प्रीटी कलर मिल जाता है कि लुक के मामले में हॉनर 8X कहीं पे आगे निकल जाता है। और ये तो था मतलब लुक, और उसके बाद बात आ जाती है प्राइस की, प्राइस, रैम और स्टोरेज की। जो 4 GB रैम 64 GB वाले रियलमी 2 प्रो की जो प्राइसिंग है वो है 13,999 रुपये, और हॉनर 8X के 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाले की है वो है 15,000 रुपये। यहाँ पे आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वो अब मैं बताता हूँ आपको क्यों 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि जो हॉनर 8X की है वो जो बॉडी मिलती है वो मिलती है आपको ग्लास फिनिश की, और मेटल की बॉडी दी गई है, और आपको रियलमी 2 प्रो में आपको मिल जाती है पॉलीकार्बोनेट की, जो मतलब इतनी अच्छी नहीं है। वैसे तो देखने में ग्लास फिनिश ही लगती है, बट जो है वो पॉलीकार्बोनेट से बनी है बॉडी, बट यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में हॉनर 8X आगे निकल जाता है। सो फ्रेंड, ये था फुल कंपैरिजन, मतलब दोनों स्मार्टफोन अपनी जगह बेस्ट है। जो कंपनी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। अगर आपको बटर ड्रॉप नॉच चाहिए तो रियलमी 2 प्रो, अगर आपको लुक अच्छी चाहिए पीछे से, अगर आपका फ़ोन देखने के लिए अच्छा होना चाहिए तो आप हॉनर 8X कंसीडर कर सकते हो। और उसके बाद अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको सिमिलर ही मिल जाती है, बट हॉनर 8X में आपको 250 mAh की थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी मिल जाती है। बस ये था इसका फुल कंपैरिजन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा इन दोनों में से, लुक के मामले में भी, परफॉर्मेंस के मामले में भी, और कैमरा के मामले में भी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इंदर को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।